जब इसको जरूरत होएगी So guys, अभी टाइम हो गए दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अभी बच्चे तो फिलहाल उठ गए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट में। मैं और हर्षिका की मम्मी, बच्चे रहेंगे घर ही क्योंकि थोड़ा सा ही काम है, जल्दी से आ जाएंगे। चलो भाई तो गाइस चलिए चलते हैं मार्केट में और अपना सामान ले आते हैं। चलिए चलते हैं और ये देखिए ये बिगड़ गई कैरी, मैं साथ जाऊंगी। ये देखना गाइस, ये देखो आज नेल पेंट तो ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक क्या है ये? अरे हाय, ये देखिए गाइस मेहंदी लगाती है अपने आप ही। दूसरा एंड दिखाना, ये साफ है। चलो बेटा ऊपर बैठो, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, मैं लाऊंगी चीज लेने, हम लेके आएंगे। नहीं, मैं आपके साथ चीज ले लूंगा। बिल्कुल बात नहीं मानता ये तू ज्यादा ही। बेटा वो बच्चों के साथ खेल लो ना। दो चीज, एक आपके लिए एक दीदी के लिए। चलेगा इसे ले चलते हो, क्या करें। यसु यसु सो गाइस मार्केट से तो वापस आ गए हैं। चलिए चलिए जल्दी आ जसु। हर्षिका तो भरी थी, यसु तो गई थी साथ। और ये देखिए ये गाइस, और ये देखिए गाइस आराम से फोन में लगी हुई है तब से। और ये तो मैडम बस दुकान में घुस जाए। तो गाइस अभी अपना लंच बन रहा है तो बस 2 मिनट में आएगा, 2 मिनट। तो गाइस अभी अपना लंच तो आ गया है और लंच में है कढ़ी रोटी और प्याज। तो जब से लंच कर लेते हैं पहले, मेरा लंच हो गया है तो जल्दी से चलते छत पे, छत पर बैठेंगे थोड़ी देर, हल्की से धूप है। हाँ जी आप भी आओगे, खाना तो खाओ। थोड़ी देर बैठेंगे, हवा चल रही है आपको। छत पे तो गाइस बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है, बल्कि धूप तो बिल्कुल हल्की सी आई थी फिर चली गई, मतलब आ जा रही है, बादल सा बना हुआ है ना थोड़ा सा इसलिए। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं फिर छोड़ेंगे नीचे। अब हर्षिका ऊपर चढ़ती है ना, इसको भी आदत लग गई है इसके ऊपर खड़े होने की। गाइस नीचे ही चलते हैं क्योंकि ऊपर ना बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड और लग रही है। ऊपर से चप्पल नीचे ही है। सो गाइस अभी टाइम हो गया शाम के 5:15, जस्ट मैं जा रहा हूँ मार्केट में। सो गाइस अभी मैं मार्केट से तो वापस आ गया हूँ और ये ना जैसे मैं आया हूँ ना ये पीछे पड़ी है, कह रही मुझे चीज लेके दो। फ्रूट पाइप फ्रूट पाइप आप फ्रूट पाइप खाओगे? वो चीनी के अंदर ना फूड फूड कलर डाल के उसको चूरा करके डाला होता है। नहीं लेना, और अभी ये लेके जा रही थी लेने, वो तो पीछे से जस्सू आ गई तो इसको वापस ले आया मैं। मैं कहा नहीं तो वो भी जिद करेगी, अब उसने एक बार खाया ना फिर वो रोज पीछे पड़ेगी कि ला के दो ला के दो। बहुत जिद्दी है गाइस जस्सू तो, ये तो मान जाती है, इसको तो हम ऐसे ही मना लेते हैं। और गाइस ये हमारे कान्हा जी, हमारे गणपति जी, हमारे गैया जी। और अभी चलते हैं बाहर देखते हैं जस्सू मामा, ये नीचे गई है, ये बड़ी शैतान है गाइस जस्सू तो। सो गाइस ये देखिए फोनों में घुसी पड़ी है। बेटा बंद करो इसको, ये देखिए गाइस इसकी चार्जिंग है 80%, तभी लेके बैठी है आराम से। और ये खत्म नहीं होने वाला 2-3 घंटे से पहले। मम्मी का नहीं है ये, पापा का है। जल ले ले, अश्विन ने ले लिया। क्या रिचार्ज करवा देंगे बेटा टीवी का? गाइस ये दोनों ना मेरे पीछे लगी हुई हैं, कहते हैं कि टीवी का रिचार्ज कर दो। और ना एक तो मेरे फोन से हो नहीं रहा रिचार्ज, दूसरा रीजन पता क्या है? अगर रिचार्ज करवा दिया ना इन दोनों ने नाक में दम करके रखना है। क्यों? इसको सुनाई कम देता है इसलिए ये मैडम 50% से ऊपर हमेशा साउंड रखती है टीवी का, और उसके बाद ना फोन की आवाज भी नहीं सुनाई देती।
ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, बहुत तेज आवाज में टीवी देखते हैं गाइस। कल करेंगे रिचार्ज, कल संडे है ना, कल सुबह ही कर देंगे ठीक है। वैसे गाइस मैंने कल करने की कोशिश की थी पर वो ना यूपीआई के थ्रू हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास यूपीआई का ही ऑप्शन था इसलिए, बट कल कर देंगे ओके ठीक है जैसू, कल कर देंगे ओके ठीक है। ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, और गाइस ये तो इधर आओ ये भी बड़ी प्यारी बच्ची है देखो, ये तो मैं ही रखूंगा। हाँ बबल गम नहीं होती, टॉफी होती है ये, चिंगम ही होती है बेटा, ये क्या चीज लेनी है। गाइस आज ये पता कितनी टॉफियां खा चुके हैं, कितनी टॉफियां खा चुके हैं, कम से कम भी 5 से 6 टॉफियां खा चुकी है ना ये, दो तो तुम लाई थी फिर ये दुकान से भी अभी इसने मंगाई थी 5। और जो ट्यूशन के बच्चे में आना, ट्यूशन में किसी बच्चे का बर्थडे था तो वो टॉफियां देके गया था, तो दो तो इसने खाई, दो इसने खाई है, 6 से ऊपर खा लिए इसने बेटा, ज्यादा टॉफी नहीं खाते। नो। एंड गाइस अभी टाइम हो गया है शाम के 7:15 और अभी आधे घंटे तक अपना डिनर भी आ जाएगा, फिर डिनर करेंगे। क्या हुआ, कहाँ फट गया, कहाँ फट गया, देखना गाइस, दिखाना पेज खोलना जरा, ये वाला पेज में खोल के दिखाओ कितना फट गया आपकी नोटबुक। बेटा शोर तो आपने ऐसे मचा रखा है जैसे कि आपकी नोटबुक के 2 पीस कर दिए हो। बेटा ये इसको फाड़ना कहते हैं, ये तो गलती से हो गया होगा है ना जस्सू, टेप से लिखा भी नहीं जाएगा ऊपर। आप समझाते क्यों नहीं हो अपनी बहन को, आपने फिर ये शॉर्पनर ले लिया, रखो इसको साइड में। गाइस आज तो ना इस शॉर्पनर के पीछे लड़ाई होगी थी इन दोनों की, इस शॉर्पनर के पीछे। अब अगला शॉर्पनर ना हर्षिका के लिए आएगा ओके हर्षिका, मैं जाऊंगा अगर शॉप पे मुझे ऐसा शॉर्पनर मिला ना मैं आपके लिए खरीद लाऊंगा ठीक है। जब इसको जरूरत होगी ठीक है बस ओके। ठीक है गाइस इसको नया ला देंगे। सो गाइस अभी अपना डिनर आ गया है और आज डिनर में है दाल रोटी और प्याज। सो गाइस अभी अपना डिनर तो हो गया। जस्सू आप चीज लाए थे, क्या लेके आए थे दुकान से, मंच लाए थे, किसने लेके दिया, तब्दी ने लेके दिया। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।